उत्तर प्रदेश के झांसी में प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के बाहर खड़े ये किसान चमरुआ गांव के रहने वाले हैं, जो किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन बैंक के अधिकारी धूप में खड़े इन किसानों की एक बात सुनने को तैयार नहीं है। किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए कई किसान पिछले 4-5 महीनों से बैंक के चक्कर काट रहे हैं। किसी के चक्कर में आए, बनवा रहे थे हम 4 महीने हो गए, भेज अब कहते हैं कमी है आपके कागज में, वो कमी है वो करवाती रहती, ये बना के नहीं देते उसे, कहीं ये कागज में कमी बताते हैं, कहीं उस कागज में, और जाते हैं कहीं नोड्यूज बना के ले आओ, कहूँ 12 साल ले आओ, कहूँ महीनों टरकाते रहते। साल 1998 में किसानों के लिए किसान क्रेडिट योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को महाजनों के मोटे ब्याज के चंगुल से बाहर निकालना था और जरूरत के समय बैंक से कर्ज लेकर खेती किसानी के उपकरण खरीद सकें। लेकिन यहां के किसान बैंक के अधिकारियों पर कार्ड बनाने में 5 से 10 हजार रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगा रहे हैं। वो बोल रहे थे कि 10 हजार रुपए खर्चा आएगा, तो हमने बोला कि किस चीज़ के आएंगे, कि लगे 2-4 हजार फाइल में आएंगे और 2-4 हजार मैनेजर को देने पड़ेंगे। किसानों की इस दिक्कत को लेकर जब मुख्य अधिकारी से बात की गई, तो उन्होंने मामले की जांच करने और आरोप सही पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि फाइल जो है काफ़ी दिनों तक विलंबित रखी जा रही है, उसी के साथ साथ पैसों की भी कोई डिमांड की जा रही है बताया जा रहा है, तो इसकी जांच हम लोग तत्काल आज ही कराएंगे, और यदि ये पाया जाता है कि कहीं बैंक के जो भी कर्मचारी है, बैंक के मैनेजर, इनकी शिथिलता है या इनके द्वारा कोई अनियमित तरीके से पैसों की डिमांड की जा रही है, तो सख्त से सख्त कार्रवाई हम लोग अवश्य इनके खिलाफ करेंगे। सरकार किसानों की मदद के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी अपने स्वार्थ के लिए इन योजनाओं को परवान नहीं चढ़ने दे रहे, जिससे योजना अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रही है। उत्तर प्रदेश की झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।